हे व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल है। फाइनली यहां पर iOS 18 का पब्लिक बीटा 4 का जो नया अपडेट है वो रिलीज हो चुका है। तो इस अपडेट में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या ये अपडेट आप लोगों को डाउनलोड करना चाहिए या फिर गाइस आपको कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यहां पर काफी सारे न्यू फीचर्स भी देखने को मिले हैं और कुछ बग्स भी मेरे को देखने को मिले हैं। तो वन बाय वन करके सारे फीचर्स और बग्स के बारे में बात कर लेते हैं। और बाय द वे गाइस, अगर आपके पास आईफोन है और ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल टेक रिस्क को सब्सक्राइब कर दे फॉर मोर आईफोन अपडेट्स देखने के लिए। तो चलिए गाइस, यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या कुछ नए फीचर्स और क्या कुछ नए चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले गाइस, हर बार की तरह मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो अवेलेबल स्पेस था बिफोर दी अपडेट वो था 76.79 GB, और अपडेट करने के बाद गाइस वो हो चुका है 78 GB, यानी कि 2 GB का आपको फ्री स्पेस है वो एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर गाइस जो मॉडर्न फर्मवेयर है उसमें भी आपको अपग्रेडेशन देखने को मिलता है। 3.0.2.06 के वो अपडेट होके गाइस 3.0.2.08 है वो यहाँ पर हो चुका है। अब गाइस काफी सारे फीचर है और काफी सारी बग्स भी है, बट पहले गाइस यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बैटरी हेल्थ की। तो गाइस जो यहाँ पर अपडेट से पहले हमारा बैटरी हेल्थ था वो था 90%। गाइस यहाँ पर प्रीवियस अपडेट में यानी कि बीटा 3 में गाइस काफी सारे यूजर्स को मेरी तरह यहाँ पर बैटरी में इश्यू देखने को मिला था, बैटरी काफी ड्रेन हो जाती थी। तो उस पर गाइस हमारा जो बैटरी परसेंटेज था वो 1% ड्रॉप हो चुका था, बट गाइस इस नए अपडेट को डाउनलोड करने के बाद भी अभी भी 90% ही है, तो यानी कि बैटरी ड्रॉप हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। तो चलिए गाइस अब वन बाय वन करके सारे फीचर मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइस काफी कमाल का और गाइस ऑटोमेटेड अब यहाँ पर जो आपके आइकन है वो चेंज हो जाएंगे बेस्ड ऑन गाइस आपके यहाँ पर वॉल पर, यानी कि मटेरियल यू जो गूगल के फोन में आते हैं या एंड्रॉइड फोन में आते हैं वैसा ही लुक गाइस अब आप लोगों को आईफोन में भी देखने को मिलेगा। सिंपल सा गाइस यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो कुछ इस तरह के जो आइकन पे के मेरे को कलर में देखने को मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए इसका वॉलपेपर हम यहाँ पर जाके चेंज करेंगे और यहाँ पर कोई दूसरा वॉलपेपर भी सेट करेंगे तो अपने अब गाइस यहाँ पर जो आइकन पे के उसका कलर है वो अब चेंज हो जाता है। अगर गाइस यहाँ पर मैं तीसरा वॉलपेपर भी ऐड करके दिखाऊं तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं वो अपने आप यहाँ पर चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पर एक कैच भी है या बग्स है मेरे को आई डोंट नो गाइस, वो है गाइस इस सब कुछ चेंज तभी होगा अगर आप यहाँ पर एडिट्स में जाके यहाँ पर आप कस्टमाइज में जाएंगे और गाइस यहाँ पर टिल्टेड वाला जो ऑप्शन है सारे वॉलपेपर में अप्लाई किया होगा। तो अगर गाइस मान लीजिए आपने यहाँ पर ऑटोमेटिक चूज कर दिया है, अगर इसका वॉलपेपर आप यहाँ पर चेंज करेंगे तो जो वॉलपेपर में आपने टिल्टेड कर दिया उसमें तो चेंज होगा, बट मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर वॉलपेपर चेंज कर दिया जिसमें टिल्टेड ऑप्शन नहीं है तो उसमें प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो कैसे प्री डिफाइंड हो जाएगा आपके अपने वॉलपेपर में कौन सा मोड सेट किया तो उसके हिसाब से आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर बाय द वे मैं आपको बग्स भी दिखा देता हूँ, मेरे को जो बग्स देखने को मिला है वो है गाइस क्लॉक का। अब गाइस यहाँ पर आप क्लॉक का विजेट देख सकते हैं, पूरा ब्लैंक हो चुका है, पूरा व्हाइट हो चुका है। मैंने फोन को रिस्टार्ट करके भी चेक कर लिया, जब गाइस आप टिल्टेड वाला कलर वाला कोई विजेट यूज करते हैं या फिर अपना आइकन पैक यूज करते हैं तो गाइस आपका जो क्लॉक विजेट है वो यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। अगर इसका जो कोई विजेट दूसरा चेंज करेंगे तो उसमें तो शो करता है बट क्लॉक में गाइस यहाँ पर ब्लैंक हो जाता है। तो एक गाइस बग्स भी देखने को मिली है। इसके बाद गाइस जो नया फीचर्स देखने को मिला है वो अब फाइनली आ चुका है ब्लूटूथ टॉगल का। गाइस अगर आप यहाँ जाके चेकआउट करेंगे अपने कंट्रोल सेंटर में तो जो नया ब्लूटूथ का जो विजेट है वो आप आ चुका है। गाइस पिछले अपडेट में आया था बट अनेबल नहीं हो रहा था, बट फाइनली आ चुका है। सिंपल सा अनेबल करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना है, अपने कंट्रोल सेंटर में एड कंट्रोल में जाना है और गाइस आपको कनेक्टिविटी में अब यहाँ पर जो नया ब्लूटूथ का वर्जन है वो देखने को मिल जाता है। तो सिंपल सा उसको टैप करके आप इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद गाइस यहाँ पर बात करें जो फोटो एप्लीकेशन है, फोटो एप्लीकेशन में अगेन गाइस यहाँ पर जो लेआउट है वो चेंज हो चुका है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे कि जो एल्बम का पोजीशन है वो कुछ इस तरह का हो चुका है, यानी कि गाइस कुछ कार्ड स्टाइल की जो डिजाइन है वो अब यहाँ पर आ चुकी है। साथ ही साथ गाइस आपका यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आता है अब उसमें भी डार्क मोड का जो वर्जन है वो सपोर्ट करने लगा है। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, अगर गाइस आप डार्क मोड वाले आइकन पैक यूज करते हैं अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसका भी जो गाइस यहाँ पर आइकन पैक है अपने नोटिफिकेशन पैनल में वो यहाँ पर डार्क हो जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पर कई सारी एप्लीकेशन में न्यू स्प्लैश स्क्रीन देखने को मिली है, जैसे कि सबसे पहले हो गया है फोटो ऐप में। तो फोटो ऐप का तो मैंने आपको बता दिया कलेक्शन है, कस्टमाइजेशन है, वो चेंज हो गया है। इसके बाद अगर आप एप्पल का होम ऐप यूज करते हैं तो उसमें भी गाइस न्यू लेआउट चेंजिंग का ऑप्शन देखने को मिल चुका है। एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो उसमें भी स्लाइटली आप लोगों को चेंजेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर जो ट्रांसलेटर ऐप है जो कि गाइस आप लोगों को हो सकता है यूज नहीं कर रहे होंगे बट उसमें भी न्यू चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर गाइस अब यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज है उसको भी ऐड कर दिया है। तो गाइस अगर मैं आपको जाके यहाँ पर शो करके बताऊँ तो ट्रांसलेटर ऐप को आप ओपन करेंगे
तो अब गाइस यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और भी काफी सारी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, बट इस टाइम इस न्यू iOS अपडेट में हिंदी वर्जन है वो आ चुका है। बट यहाँ पर एक बात है कि अगर आप यहाँ पर हिंदी वर्जन सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्जेशन में जाएंगे, तो गाइस यहाँ पर आपका जो हिंदी वर्जन है वो यहाँ पर अनेबल का ऑप्शन नहीं है। यानी कि आप कहीं फॉरेन ट्रैवल करते हैं या कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो दोनों कन्वर्जेशन के टाइम गाइस आपका हिंदी लैंग्वेज अभी राइट नाउ सपोर्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आप लोगों को एप स्टोर में देखने को मिल चुका है। अगर गाइस यहाँ पर आप जाके सर्च पर टैप करेंगे तो कुछ कस्टमाइज कैटेगरी आप लोगों के सामने शो करना स्टार्ट हो जाएगा। आई डोंट नो कि प्रीवियस अपडेट में था या फिर इस न्यू अपडेट में आया है, मेरा ध्यान गाइस इस बार पड़ा है। अब साथ ही साथ गाइस एक घटिया भी काम कर दिया है कि यहाँ पर आप लोगों को एड अब शो करना स्टार्ट हो चुका है। तो चीप फोन में आता था वैसा गाइस अब यहाँ पर एप्पल में आना स्टार्ट हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर हमने सारे फीचर्स के बारे में बात कर लिया, हो सकता है कोई एक दो फीचर्स रह गए होंगे तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अब गाइस काफी सारी बग्स भी हम लोगों को देखने को मिली है जो कि यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। बट उससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं जो गाइस यहाँ पर स्क्रीन टाइम को लेकर विजेट का जो इश्यू था जो वर्क नहीं करता था, तो गाइस वो अब यहाँ पर फाइनली फिक्स हो चुका है। स्क्रीन टाइम गाइस यहाँ पर प्रॉपर तरीके से विजिबल भी हो चुका है और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वर्क भी करता है। इसके बाद गाइस यहाँ पर मेरे को एक बग देखने को मिली है जो कि वो है हमारे फोटोज ऐप में। गाइस अगर आप यहाँ पर म्यूजिक को प्ले करेंगे, वीडियो को प्ले करेंगे अपने फोटोज ऐप में, तो अभी गाइस यहाँ पर मेरा म्यूट का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। गाइस अगर आप लोगों को यहाँ पर म्यूट का ऑप्शन है या फिर नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि मेरा गाइस यहाँ पर पहले म्यूट का ऑप्शन था इस अपडेट से पहले, बट इस न्यू अपडेट में म्यूट का ऑप्शन ही चला गया है। अब गाइस यहाँ पर फोटो ऐप से डायरेक्टली मैं अपना जो वीडियो है उसको म्यूट नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद गाइस एक और आप लोगों को बग्स देखने को मिल सकता है जो कि वो अपने कंट्रोल सेंटर में देखने को मिलेगा। जब भी गाइस अपना जो लेआउट है वो आप कंट्रोल सेंटर में चेंज करेंगे और अपना फोन को रिस्टार्ट करेंगे तो काफी सारे डिवाइस में गाइस यहाँ पर जो आपका कंट्रोल सेंटर है वो क्रैश कर जाता है और पूरा गाइस यहाँ पर ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक हो जाने के बाद गाइस पूरा फिर से आप लोगों को कस्टमाइज करना पड़ता है। तो कुछ कुछ डिवाइस में ये देखने को मिला है जो कि iPhone 14 Pro में, 15 Pro में और गाइस मैक्स वर्जन में भी मेरे को देखने को मिला है। काफी सारे बंदे ने ट्विटर पर ट्वीट भी किया है। तो डेफिनेटली गाइस अगर आपको कंट्रोल सेंटर में कोई बग्स देखने को मिलता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और गाइस अगर आप यहाँ पर फोन को रिस्टार्ट नहीं करने वाले हैं तो डेफिनेटली इस अपडेट के साथ आप जा सकते हैं। अब फाइनली गाइस वर्डिक्ट पर आ जाते हैं कि फाइनली क्या आप लोगों को iOS 18 का पब्लिक बीटा 4 का जो न्यू अपडेट है वो अपने कोई भी आईफोन में डाउनलोड करना चाहिए या फिर नहीं, और साथ ही साथ इस अपडेट का बैटरी बैकअप कैसा है वो भी मैं आपको यहाँ पर शो करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर अपडेट करने के बाद प्रीवियस अपडेट से तो काफी बेटर मेरे को बैटरी बैकअप है वो देखने को मिला है। कोई ऐसा खास बग्स देखने को नहीं मिला है जो कि आपको दिक्कत करे, पर जैसे मैंने बताया कंट्रोल सेंटर का जो बग्स है वो कुछ कुछ डिवाइस में देखने को मिला है, तो उसको छोड़कर गाइस यहाँ पर कोई भी ऐसा खास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपका प्रीवियस अपडेट में बैटरी बैकअप सही देखने को नहीं मिल रहा था तो डेफिनेटली ये वाला जो नया अपडेट है बीटा 4 उसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आके बताइए क्या आपको बैटरी बैकअप है वो पिछले अपडेट से इम्प्रूव देखने को मिला है या फिर नहीं। काफी स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस है, कोई ग्रीन स्क्रीन इश्यू अभी तक देखने को नहीं मिला है, कोई ऐसा लैग देखने को नहीं मिला है, हिटअप का भी जो इश्यू है वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो ऑल ओवर बात करें तो डेफिनेटली आप लोग है iOS 18 का पब्लिक बीटा 4 को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी तरफ से गाइस थम्स अप है, ये वाला अपडेट आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिवाइस में। सारी बैंकिंग एप्लीकेशन की भी बात करें तो वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, तो कोई ऐसा खास मेजर इश्यू देखने को नहीं मिला है। तो आई होप गाइस आप लोगों को जो iOS 18 का पब्लिक बीटा 4 का नया अपडेट, नया फीचर्स और जो सारी बग्स थी उसके बारे में पता चल गया होगा। अगर गाइस यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो आप हमारे चैनल टेक्निक्स को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम जब भी नया iOS 18 का वीडियो लाए तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर पता चल जाएगा। 2-3 दिन में गाइस बैटरी बैकअप पर हम ट्राई करेंगे वीडियो लाने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।